आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वीट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी मिठाई के डब्बे बनाने के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हर जगह मिठाई की दुकान होती ही है और दुकानदार को मिठाई या केक पैक करने के लिए मिठाई की डब्बे की जरूरत तो पड़ती ही है। मिठाई एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है। कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, बिना मिठाई के हमारा काम नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप यह बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें आपको ज्यादा मार्केटिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि स्वीट का डब्बा जो होता है, उसको बनाने के लिए कौन सी मशीनों का यूज हम करते हैं, उसकी कीमत कितनी होती है, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसकी प्राइस क्या होती है, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा और सबसे बड़ी बात, इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड, शुरू करने से पहले आपसे करना चाहूंगी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि मशीन का यूज करके स्वीट बॉक्स कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस मशीन से आप केक, पेस्ट्री तथा मिठाई पैक करने का डब्बा बना सकते हैं। अलग अलग तरह के डब्बे बनाने के लिए सिर्फ डाई को चेंज करना होता है और हर तरह का डब्बा तैयार हो जाता है। इस मशीन से डाई चेंज करके आप 250 ग्राम से लेकर 2 केजी केक तथा मिठाई रखने के लिए डब्बा आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिठाई की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है और मिठाई को पैक करने के लिए डब्बे की जरूरत तो हमेशा पड़ती ही है। तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड के हिसाब से अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके रॉ मटेरियल की प्राइस 20 रूपए से 27 रूपए प्रति किलो होती है। आप 1 केजी रॉ मटेरियल में 1 ग्राम का 900 पीस बना सकते हैं तथा 2 ग्राम का 450 पीस डब्बा बना सकते हैं। 1 ग्राम का पीस मार्केट में 1 रुपए में बिकता है और 2 ग्राम का पीस मार्केट में 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए तक बिकता है। अगर इस मशीन के प्रोडक्शन की बात करें तो 1 घंटे में ये मशीन करीब करीब 5000 पीस का प्रोडक्शन करती है। इस हिसाब से अगर आप टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 1 घंटे में सारा खर्च काटकर 500 रुपए तक बचा सकते हैं। इस तरह अगर आप दिन में 8 घंटे भी काम करते हैं तो आसानी से 4000 रुपए एक दिन में कमा सकते हैं। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन वाली मशीन लेते हैं तो आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। Oh, 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 oh,
आप प्रोडक्शन के हिसाब से मशीन ले सकते हैं। रॉ मटेरियल्स के लिए आप indiamart.com की वेबसाइट पर विजिट कर आइडिया ले सकते हैं, वहां पर अनेकों सप्लायर्स उपलब्ध होते हैं। इस बिजनेस की ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के फोन नंबर पर कॉल कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बिजनेस में सारा मुनाफा आप बिजनेस किस लेवल पर शुरू कर रहे हैं एवं आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाकर चलते हैं उस पर डिपेंड करती है। इस बिजनेस को अगर आप अच्छी तरह से चलाते हैं तो आप दिन के 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मशीन का यूज करके मिठाई का डब्बा बनाना कितना आसान है। तो अगर आप यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको मशीन की जरूरत है, तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।